हेलो एंड हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सानेंद्र। तो आज मैं जिस मूवी को कवर करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है क्राई मी अ सैड रिवर, एंड ये अब तक की सबसे ज़्यादा इमोशनल मूवी है जिसे मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसकी एंडिंग देख के साथ आपको रोना भी आ जाए। वेल, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है जॉ नाम की एक लड़की की, जो अपने मॉम के साथ एक बहुत ही पुराने टूटे फूटे घर में रहती है, एंड इसके फादर की डेथ जॉ के बचपन में ही हो जाती है, और इसीलिए जॉ और उसकी माता को बहुत गरीबी में रहना पड़ता है, और इसीलिए जॉ की मॉम थोड़े से पैसे कमाने के लिए लोगों को घर पर मसाज दिया करती थी और उनके साथ सेक्सुअली रिलेशन भी बनाती थी। एक दिन जॉ अपने मॉम से बोलती है मुझे कुछ बीमारी हो गई है, लेकिन उसकी मॉम साफ इग्नोर कर देती हैं, एंड जॉ थोड़े पैसे यूनिफॉर्म के लिए भी मांगती है, लेकिन उसकी मॉम डांटते हुए बोलती है कि नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड तभी हम नेक्स्ट सीन में उसके बेस्ट फ्रेंड मिन को देखते हैं, जो केवल इकलौता फ्रेंड था उसका, और मिन इसका पड़ोसी भी होता है। ये दोनों स्कूल जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है स्कूल में कोई न्यू स्टूडेंट आई है, जिसे देख कर मिन उस पर लट्टू हो जाता है। और तभी जॉ स्कूल के बाद अपने बीमारी के चेकअप के लिए जाती है, तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताता है तुम्हें कोई सेक्सुअली डिजीज़ हो गई है, और ये बात सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है, क्योंकि इसने कभी भी किसी तरह का लेशन नहीं बनाया होता है, तो इसको ये बीमारी कैसे हो सकती है। अब उसे इलाज करवाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, जो कि उसके पास नहीं होता है। ये यहाँ से रोते हुए भागने लगती है। जब वो लिफ्ट में रो रही होती है, तभी उसे वहीं एक लड़का मिलता है, इसका नाम सेन है, और ये इसी के स्कूल में पढ़ता है। सेन उसको रोता देख उससे बात करने की कोशिश करता है, और वो कोई जवाब नहीं देती, और तभी नीचे आकर पता चलता है कि सेन उस न्यू स्टूडेंट का भाई है, जो कि अभी स्कूल में आई है और जिस पर मिन लट्टू होता है। एंड तभी जॉ अपने घर आकर अपनी मॉम को बताती है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन उसकी मॉम उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और जॉ को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, और यहाँ जॉ समझ जाती है कि यहाँ उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। एंड और तभी मिन जॉ से मिलने आता है, वो उससे पूछता है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ। जॉ बात को छिपाते हुए बोलती है कुछ नहीं, वहाँ सब कुछ ठीक रहा। और तभी मिन की मॉम आ जाती है, जो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा जॉ से बातें करे, क्योंकि जॉ की मॉम कैसा काम करते हैं उसके बारे में सभी कॉलोनी वाले को पता था, और कोई भी जॉ और उसके मॉम को यहाँ पसंद नहीं करता। और तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेन जॉ को पूरे स्कूल में देखता ही रहता है। वही लंच के दौरान हम कुछ लड़कियों को देखते हैं, जो स्कूल के बाद पार्टी में जाने का प्लान बना रही होती हैं, और यहीं पर उनकी लीडर शाओमी को देखते हैं, जो कि मिन से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है अपने पार्टी में आने के लिए, क्योंकि मिन क्लास को मॉनिटर भी था और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी होता है, और यहाँ शाओमी कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो भी मान जाता है। और जब शाम को रेडी होकर वो पार्टी के लिए जा रहा होता है, और तभी उसे रास्ते में जॉ मिलती है, और तभी वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी जॉ को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। मिन जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, डॉक्टर उसे बताते हैं कि इसे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई है। जैसे ही जॉ की आँख खुलती है वो बाहर जाने के लिए बोलती है, तो मिन समझ जाता है कि जॉ के पास पैसे नहीं हैं। जॉ यहाँ हॉस्पिटल से जाने लगती है कि ताकि ज़्यादा पैसा ना खर्चा हो जाए, लेकिन तभी मिन बोलता है तुम परेशान मत हो, तुम्हारा खर्चा मैं उठा लूँगा, और यहाँ पर जॉ उसे बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। और देखते ही देखते पार्टी में जाने का सारा टाइम बीत जाता है, और वहाँ पे शाओमी गुस्सा हो रही होती है, और यह देख के काफ़ी जल भी रही होती है, क्योंकि मिन उसे कॉल करके बता देता है कि वो जॉ को लेके हॉस्पिटल आ गया है, तो मैं नहीं आ सकता हूँ। और अगले दिन जब जॉ स्कूल जाती है, तभी शाओमी आकर उससे पूछती है तुम्हारी तबीयत कैसे है, और साथ ही मिन को देखती है, जो उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें देखकर शाओमी जॉ से बहुत ज़्यादा जलने लगती है, और अब यह सोचने लग जाती है कि अब तो मुझे जॉ का पूरा बैकग्राउंड निकालना ही होगा, और इसीलिए वह उसका पीछा करने लगती है। एंड जब जॉ और मिन दोनों घर जा रहे होते हैं, तभी मिन उसे कुछ पैसे देता है, तभी जॉ पूछती है तुम ये पैसे कहाँ से लाए, लेकिन जॉ बताता नहीं है, लेकिन उसके फोर्स करने पर वो बता देता है कि मैंने अपने डैड के पॉकेट से चुराया, और जिस पर जॉ भड़क जाती है और उसे बोलती है मैंने तुमसे बोला क्या मुझे पैसे की ज़रूरत है, जाओ और चुपचाप इसे वापस रख के आओ। एंड उसी शाम जॉ
ट्रीटमेंट के लिए जाती है एक क्लिनिक में, क्योंकि हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला था और क्लिनिक में तो थोड़े पैसे में ही काम हो जाएंगे। और तभी शॉ में अंदर आकर उसकी फ़ोटो ले लेती है और इसकी बीमारी की जानकारी भी ले लेती है और साथ ही देखते पूरे स्कूल में खबर फैला देती है कि जॉ को एक सेक्सुअल डिजीज़ है एंड इसकी मामी ये काम करती हैं। और इसके बाद जॉ की ज़िंदगी तो एकदम बर्बाद हो जाती है और इसी दिन से स्कूल के सभी बच्चे उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद जॉ को रोज़ बुली किया जाता है और इसका मजाक उड़ाया जाता है और साथ ही स्कूल के लोग इसे मारते पीटते भी थे और साथ ही बोलते थे ये बीमारी तो मुझे भी फैला देगी। एंड शॉमी का यहाँ कहना होता है उसने यह सच्चाई बताकर सबकी जान बचाई। अगर यहाँ हम देखें तो शॉमी ने ये सब जलन में आकर किया हुआ होता है। शॉमी को लग रहा होता है कि मिन जॉ को पसंद करता है, लेकिन मिन तो उस नए स्टूडेंट को पसंद करता है जिसका भी नया नया एडमिशन हुआ होता है। एक दिन तो हद ही पार हो जाती है जब ये बुली जॉ का बैग उठाकर गंदे नाले में फेंक देते हैं। तभी जॉ इसको लेने के लिए जा रही होती है, तभी वहाँ पर सेन आ जाता है। मैं यहाँ बता दूँ कि सेन वही लड़का होता है जो उसे हॉस्पिटल के लिफ्ट में मिला हुआ होता है जब वह रो रही थी। सेन इसको यहाँ पर बचाता है ये सोच के कि शायद ये सुसाइड करने जा रही है। दरअसल सेन इसे पसंद करता है एंड इसीलिए वो अगले दिन स्कूल बंक करके उसे एक जगह पर बुलाता है। यहाँ पर अगले दिन जाओ यहाँ पर आती है एंड यहाँ पर सेन एंड जाओ पूरे दिन मस्ती करते हैं, बातें करते हैं और समय बिताते हैं। जाओ सेन से पूछती है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी बीमारी से, और वो बोलती है ये बात तो स्कूल में सबको पता है। तभी सेन बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये बीमारी ज़रूरी नहीं कि सेक्स करने से हो, कभी कभी ये बीमारी फैमिली मेम्बर्स से भी हो जाती है। एंड ये सब बातें सुनकर जॉ को थोड़ी हिम्मत आ जाती है। अब वो डरती नहीं है बल्कि बुली का डट के सामना करती है और उनका जवाब देती है, क्योंकि उसके पीछे से सेन उसकी हेल्प कर रहा होता है। एंड देन हमें स्कूल के लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का जॉ से दूर होने के चक्कर में अपने ऊपर खाना गिरा लेता है और तभी गुस्से में बोलता है तुम जैसे बीमार लड़की को इस स्कूल में नहीं रहना चाहिए बल्कि तुम्हें यहाँ से दूर रहना चाहिए वरना तुम ये बीमारी हम सबको फैला दोगी। एंड ये बात सुनकर जाओ गुस्सा होकर पानी फेंकने लग जाती है। तभी यहाँ पर उसका पड़ोसी मिन आ जाता है और इसे रोकता है। और यहाँ हमें पता चलता है जाओ से यह सभी चीज़ें सेन करा रहा होता है, क्योंकि जब कोई उसे बुली किया करता था तो सेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता ये सब। एंड सेन ही उसे ये सब करने के लिए आइडिया देता रहता है। एंड अब इतने बड़े हादसे के बाद स्टूडेंट को एक ऑफिस में इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पर टीचर भी जॉ को गलत बताता है, तभी नाराज होकर सेन ने उसका माइक गिरा देता है और ये सब चीज़ें जॉ को अच्छी लग रही होती है। एंड अब इस हरकत के बाद जॉ को पनिशमेंट भी मिलता है। एंड यहीं पर हम सेन की बहन को देखते हैं एंड ये वही न्यू स्टूडेंट होती है जिसे मिल लाइक करता है, जो अपने भाई से मिलने आई होती है। एंड इसे पता होता है कि उसका भाई जॉ को पसंद करता है। एंड यहाँ पर अगले दिन स्कूल टूर पर जा रहा होता है। जॉ पहले से ही बस में आकर बैठी हुई होती है और तभी उसे वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो निकल कर चली जाती है। एंड वहीं पर उसके क्लास के बुलीस आती हैं जो उसे जाते हुए देख लेती हैं। एंड वो टीचर से जाकर बोल देती है कि सारे बच्चे बस में आ गए हैं तो चलिए हम लोग चलते हैं। एंड बस जॉ को छोड़कर चली जाती है। एंड वो बेचारी जब वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, बस चली जा चुकी होती है। पर वहीं पर शेन खड़ा होता है जो उसे अपने साथ ले जाता है एंड उसे अपनी बस में बैठाता है। एंड तभी वो दोनों लोकेशन पे पहुँचते हैं एंड यहाँ पर सभी बच्चे आए हुए होते हैं एंड वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एंड मिन उस न्यू स्टूडेंट के साथ काफ़ी खुश लग रहा होता है। एंड ये चीज़ देख कर जॉ को बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। एंड यहाँ पर पहली बार ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं जॉ भी शायद मिन को पसंद करती है जो उसका पड़ोसी था, लेकिन उसने कभी भी ऐसा जताया नहीं था। एंड यहाँ पर न्यू स्टूडेंट को भी जॉ से जलन होने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी इसके जैसे बीमार लड़की उसके भाई के साथ रहे। टूर के बाद जॉ बस में जाकर अपना बैग ले लेती है एंड वो देखती है उसके वॉलेट में से सारे पैसे गायब हो गए हैं जो इसने अपने बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए इकट्ठा किया हुआ होता है। एंड जॉ को अच्छे से पता होता है कि ये पैसों को किसने निकाला है। तभी वो शॉमी से पैसे मांगने जाती है, लेकिन ये बदतमीज लड़कियाँ उसके पैसे से खाना खरीद के खा लेती हैं जो उसने एक एक रुपया जोड़ के ट्रीटमेंट के लिए इकट्ठा किए हुआ होता है, और जो थोड़े बहुत चिल्लर बचे हुए होते हैं वो लाकर इसे वापस कर देती हैं। और ऐसी हरकत देख कर अब जॉ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है
और तभी जॉ शाओमी को बस में बहुत बुरी तरह से पीटने लगती है और वह उसे बहुत मारती है। लेकिन बस वाले जॉ को ही यहाँ पर गलत ठहराते हैं। अब जॉ अपनी ज़िंदगी से और भी ज़्यादा तंग आ जाती है। जॉ की ज़िंदगी और भी ज़्यादा बेकार होती जा रही है। एंड यहाँ पर जॉ और मिन एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ पर मिन बोलता है तुमने गलत किया था उस दिन। लेकिन अब तो जॉ मिन की लाइफ से जलने लगी है। वो मिन से काफ़ी ज़्यादा जलती है क्योंकि मिन के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैमिली है जो कि जॉ के पास नहीं होती है। एंड अब यहाँ पर जॉ अपना सारा गुस्सा मिन पे उतार देती है और वो कहती है तुम उस न्यू स्टूडेंट को पसंद करते हो, वो तुम्हारे लिए अच्छी है ना, तो जाओ यहाँ से और उसके पास ही रहो। एंड यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जॉ मिन को पसंद करती है, लेकिन कभी उसने ये बात कहा नहीं था। याओ की ज़िंदगी अब और भी ज़्यादा बेकार होती जा रही थी। वो घर जाकर पैसे ढूंढने लग जाती है अपने ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इसे जल्दी से जल्दी वो इलाज करवाना होता है वरना उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जब वो पैसे ढूंढ रही थी तभी उसे मॉम की एक सेविंग मिलती है जो इसकी मॉम ने इकट्ठा करके रखा होता है इसके कॉलेज के फीस के लिए। एंड तभी जॉ को यहाँ पर सारी बातें समझ में आने लगती है कि मेरी मॉम मुझे पैसे क्यों नहीं देती थी। वो सारे पैसे बचाया करती थी ताकि वो जॉ को काफ़ी अच्छे कॉलेज में भेज सके। उन्होंने कभी उसे न्यू यूनिफॉर्म नहीं दिलाई एंड इसलिए वो हमेशा स्कूल में अलग दिखती थी, क्योंकि इसकी मॉम पैसे बचाया करती थी अपने बेटी के अच्छे भविष्य के लिए। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती हैं जिन्हें स्कूल से बुलाया गया होता है। एंड वो उसके मॉम को सारी बात बता देते हैं कि जॉ को क्या बीमारी है। अब यहाँ उसकी मॉम घर पर आकर उसे मारने पीटने लगती है ये सोच के कि जॉ गलत काम करती है, और वो भी स्कूल से बाहर जाकर। और तभी जॉ यहाँ पर रोकर कहती है मैंने कभी ऐसा काम ही नहीं किया। तब इसकी मॉम काफ़ी देर तक सोचती हैं और काफ़ी देर तक दिमाग लगाने के बाद उन्हें समझ आ जाता है कि जो कस्टमर इनके घर पर आते थे वो जॉ के घर में नहाते थे एंड वो वही टॉवल यूज़ करते हैं जो जॉ यूज़ करती है, और उसी कस्टमर में से किसी की बीमारी जॉ को लग जाती है। और ये जानने के बाद उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है और काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है। और वो पहली बार जॉ का हाथ पकड़कर उसे पहली बार अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाती है। एंड हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन देखते हैं कि जॉ की मॉम ने उसे पहली बार किया हुआ होता है, इसलिए जॉ काफ़ी ज़्यादा खुश भी है और खुशी के मारे रो भी रही है। एंड यहाँ पर इसकी मॉम इसके लेज़र ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी देती हैं। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। अब जॉ को लड़कियों में से कोई भी तंग नहीं करता, मींस कोई भी बुली नहीं करता। एक दिन जॉ जब घर जा रही होती है तो वह देखती है कुछ लड़की एक लड़की को मार रही होती है, और ये पिटाई खाने वाली कोई और लड़की नहीं बल्कि उसके क्लास की शाओमी होती है। शाओमी उससे ये रिक्वेस्ट करती है कि ये बात स्कूल में किसी को भी ना बताए कि इसको बुली किया जाता है। जॉ बोलती है तुम मेरे पैसे दे दो जो तुमने बस में चुराए थे एंड मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन शाओमी पैसे देने से साफ मना कर देती है, तो जॉ बोलती है ठीक है मैं सबको बता दूंगी कि तुम भी किसी लड़कों से बुली होती हो और लड़कियों से मार भी खाती हो। अब यहाँ शाओमी टेंशन में आ जाती है कि स्कूल में अगर पता चला कि इसको भी बुली किया जाता है तो इसकी वैल्यू एकदम कम हो जाएगी। अगले दिन जॉ और शेन घूमने के लिए जाते हैं लाइक डेट जैसा कुछ, और उसी दौरान शाओमी शेन की सिस्टर को मैसेज करके एक बहुत ही सुनसान जगह पर बुलाती है, और वो मैसेज में कहती है कि मैं जॉ हूँ। यहाँ अमीन की बहन पहुँच जाती है जो वही न्यू स्टूडेंट होती है, और ये इलाका काफ़ी सुनसान होता है, यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और तभी यहाँ पर काफ़ी लड़कियाँ आकर इसे घेर लेती हैं। तब ये डर के मारे छत के ऊपर चली जाती है जहाँ पर रीलिंग ना होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और वो बेचारी बच नहीं पाती, वहीं की वहीं मारी जाती है। अब इसके मौत का एग्ज़ाम भी इसी के ऊपर लगाया जाता है और वो बेचारी फंस जाती है, क्योंकि इसको लास्ट कॉल जॉ के नाम पर ही आया था। जॉ यहाँ सबको बताती है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ उसकी कोई भी नहीं सुनता, ना ही उसका बेस्ट फ्रेंड और ना ही मिन जो उसे लव करता था। और इसके बाद देखते ही देखते ये खबर पूरे मीडिया पे छा जाती है और सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर एक कि जॉ समुद्र के किनारे खड़ी होकर चिल्ला रही होती है, और तभी सारे बच्चे जाकर वहाँ पे इकट्ठा होते हैं कि जॉ रिवर में कूद कर जान देने वाली है, लेकिन सब उसका मजाक बना रहे होते हैं, कहते हैं ये ड्रामा कर रही है। तभी जॉ रोते हुए बताती है कि मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, मैंने किसी को भी नहीं मारा है, और तुम लोगों ने मुझे किस तरह से बुली किया था मुझे एक एक बात याद है। उसे जो जो बंदा जिस जिस तरह से बुली किया होता है
वो सब कुछ उसी तरह से बता रही होती है। कभी उस पर पानी फेंकना, गाली देना, मारना और वो सारी बातें बोलने के बाद सीधा जाके रिवर में कूद जाती है। और तभी सेन दौड़ता हुआ रिवर में कूदता है और उसे बाहर निकालता है, पर अफसोस उसकी सांसें बंद हो चुकी होती है। और यहाँ पर सेन को बहुत पछतावा होता है कि उसे पहले ही आकर इसे रोक लेना चाहिए था। अब ये खबर टीवी में भी आने लग जाती है कि एक लड़की ने रिवर में कूद के जान दे दी और एग्ज़ाम लगा उस बेचारी निर्दोष लड़की पर। और तभी यहाँ पर पुलिस पकड़ लेती है शाओमी को, क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि शाओमी ने ही सारा प्लान बनाया था। और शाओमी भी पुलिस के सामने अपने गुनाहों को कबूल कर लेती है। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अब काफ़ी टाइम बीत जाता है, इसलिए इनकी फैमिली वहाँ से शिफ्ट हो जाती है। एंड जाओ की माम ने अपना पुराना काम बंद कर दिया है। अब वो मसाज का सारा सामान बेच चुकी है, अब किसी और काम के लिए कहीं बाहर जा रही हैं। अब सेन ने भी अपना स्कूल चेंज कर दिया होता है, क्योंकि सेन को उस पुराने स्कूल में उसकी बहन और जाओ की याद दिला रही थी, जो अब दोनों बेचारी मर चुकी हैं। एंड तभी मूवी के एंड में हम लोग जाओ की आत्मा को देखते हैं, जो उसी जगह बैठी होती है जहाँ सेन ने उससे पहली बार बात की होती है। एंड यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। और तभी हमें मूवी के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि जाओ अब तो मर चुकी है, और जिसे हमने देखा वो तो जाओ की आत्मा थी। वो उसी जगह आकर अक्सर बैठा करती थी जहाँ जाओ एंड मिन पहली बार बात किए थे। एंड अब हम यहाँ पास देखें तो उसके पास बैठती है और बातें करती है, वो भी केवल अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में, क्योंकि अब तो वो आत्मा थी। और यहीं सेन उसे जाओ को याद करता हुआ आता है और उस जगह पर जाओ को याद करता रहता है। यहीं पर देखते हैं कि जाओ की आत्मा उसे देखती तो है, लेकिन वो उससे कुछ बोल नहीं सकती, ना ही कुछ बातें कर सकती है, क्योंकि अब वो एक आत्मा है जो इंसानों से बात नहीं करती। और इसी के साथ हमारा मूवी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इस मूवी की एंडिंग वाकई में लाजवाब है। एंड लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करते वक्त मुझे थोड़ा रोना भी आया। वेल, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।